गौरीपुत्र गणेश जी की मनोहारी अद्भुत अति प्राचीन प्रतिमा होशंगाबाद जिले के पिपरिया से 18 किलोमीटर दूर बिनखेड़ी रोड पर बसे ग्राम बाचावानी के गणेश मंदिर में विराजमान है। ग्रामवासियों के अनुसार लगभग 800 वर्ष पुराना गणेश मंदिर है। इस ऐतिहासिक प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें एक दंत गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर है। एक ही पत्थर पर बनाई गई गणेश प्रतिमा के साथ रिद्धि सिद्धि मूषक एवं शुभ लाभ भी बने हुए हैं। यह प्रतिमा दूर दूर तक सिद्ध प्रतिमा के रूप में विख्यात है, जो श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है। पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी से यहाँ विशेष पूजा होती है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलती है। मंदिर के पुजारी मनोहर दास बैरागी के अनुसार दाहिनी ओर सूंड की प्रतिमाएं बहुत बिरली हैं, जो चारों धामों में नहीं है। हर जगह बाईं ओर सूंड वाली प्रतिमाएं ही मिलती हैं। परंपरागत रूप से एक ही परिवार के वंशज यहां के पुजारी होते हैं। वर्तमान पुजारी बताते हैं कि वर्तमान में उनकी 8वीं पीढ़ी मंदिर में सेवा दे रही है। गणेश जी का यह मंदिर लगभग 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। क्या विशेषता है इस गणेश मंदिर की? गणेश मंदिर की विशेषता यह है कि जो भी लोग दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी कामना लेके आते हैं, वो निश्चित पूर्ण होती है। जी हाँ, यहाँ गणेश जी पर आकर के और गणेश जी पर हाथे लगाए जाते हैं और 5/4 उनके दरबार में आना पड़ता है, पुत्र कामना निश्चित पूर्ण होती है। 800 साल पहले ग्राम बाचावानी फतेहपुर रियासत का हिस्सा था, जहाँ राजगौंड राजा का शासन था। उस समय यह प्रतिमा खेत से मिली थी। राजा फतेहपुर को यह प्रतिमा पसंद आ गई, उसने इसे हाथी पर रखकर फतेहपुर ले जाने का प्रयास किया। हाथी पर प्रतिमा लाद दी गई, लेकिन वह हाथी गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खड़ा नहीं हो सका। अंत में हार कर यह माना गया कि श्री गणेश इसी स्थान पर ही विराजना चाहते हैं, अतः यही मंदिर बना दिया गया। तिल गणेश के पर्व पर यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यह सिद्ध प्रतिमा है जिसकी पूजा अर्चना से मनोकामना पूरी होती है। खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों की मनोकामना श्री गणेश पूरी करते हैं। बहुत लोगों ने स्वीकार किया कि उनकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी हुई। ऐसे लोगों ने धन राशि अर्पण कर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया। बाचावानी ग्राम के लोग मानते हैं कि श्री गणेश जी उनकी प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा करते हैं। बाचावानी के खेतों में ओलों से कभी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ ओले नहीं गिरते हैं और यदि कभी गिरना शुरू हुआ तो मंदिर का घंटा बजाते ही बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि मौजूदा हालत में जब पानी नहीं गिर रहा था, तब मंदिर में आराधना शुरू की गई। आराधना के 5वें दिन पानी गिरा है। कामना करके जाता है, वो सब पूरी होती है। अभी तक इस गांव में कौन कौन की मनोकामना क्या क्या पूरी हुई? बहुत लोग आते हैं यहाँ, सबकी मनोकामना पूरी होती है। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।